दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि दोस्तों ये अपडेट है किसी भी खाताधारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बीमा क्लेम अतिवृष्टि 2019 का जो पैसा है, खरीफ 2019 का जो पैसा है, वो अब सभी किसान भाइयों को मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी के साथ बताऊँगा और मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना के तहत सभी किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो अतिवृष्टि का पैसा है वो सभी किसान भाइयों के खाते में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट बताऊंगा और आपसे अनुरोध है, अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं, भाई मैं केसीसी खाता धारक हूं, क्या मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 18 सितंबर को राशि शिवराज सरकार के द्वारा आवंटित की जा रही है, क्या वो राशि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये राशि केसीसी खाता धारकों को भी मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी केसीसी खाता धारक हैं जो इंतजार कर रहे हैं केसीसी खाता धारकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 18 सितंबर को क्या राशि उनके खाते में भेजी जाएगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जी हां, सभी किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि उन सभी किसान भाई केसीसी खाताधारकों के, जो जो किसान भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी किसान भाइयों के अकाउंट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो राशि है वो भेजी जाएगी।